हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज क्यों ना हम हमारे बालों को लंबा करते हैं, घना करते हैं, मजबूत करते हैं। अगर समय से पहले सफ़ेद हो गए तो उन्हें काला करते हैं, चमकदार बनाने में मदद करते हैं। तो उसी टॉपिक पर आज हमारा वीडियो है दोस्तों। गलत खान पीन की वजह से, बालों की केयर ना कर पाने की वजह से, हमारे दौड़ भाग भरी दुनिया की वजह से हमारे बाल झड़ने लगे हैं, टूटने लगे हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, कंघी में बाल भर भर कर आ रहे हैं। तो क्यों ना हम घरेलू रेमेडी का उपयोग करें। आप बाहर से जो भी प्रोडक्ट लाते हो उसमें उससे सिर्फ फ़ायदा आपको 1% होता होगा, उससे ज़्यादा ना होता होगा, क्योंकि सामने वाले को प्रॉफिट भी तो कमाना है, चाहे वो मैं हूँ या आप। देखिए आज की हमारी रेमेडी क्या है। मैंने यहाँ पर एक शैम्पू लिया है। शैम्पू हम क्यों लेते हैं किसी भी रेमेडी में? ताकि हमारे बाल डीपली क्लीन हो जाए। हाँ, आपको बता दूँ कि बालों में इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले बालों में ऑयल लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बालों में शैम्पू अप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी हमारे बाल अगर ड्राई हो और उसके बाद हम बालों में शैम्पू अप्लाई कर लें तो बाल ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, केमिकल के वजह से हमारे बाल और ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। हमने फर्स्ट इंग्रेडिएंट तो यहाँ पर शैम्पू ले लिया दोस्तों। सेकेंड इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर ली है 1 चम्मच चीनी यानी कि शुगर। अब आपको मैं बता दूँ कि आप यहाँ पर पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि हम इसे थोड़ी देर अगर मिलाएंगे तो ये चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी। थोड़ी सी पतली चीनी थी मेरे पास इसलिए मैंने इसे पीसा नहीं। आप चाहे तो इसे पहले पीस ले। अब मैं आपको बता दूं कि हम चीनी क्यों लगा रहे हैं बालों में, वो भी चीनी शुगर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे शैम्पू और ये जो चीज़ें रहती है इनमें चीनी ऐड रहती है। चीनी ऐड रहने का कारण यह होता है कि चीनी हमारे बालों को सिल्की बनाकर रखती है, हमारे बालों में शाइन लाती है, हमारे बालों में चमक लाती है, और साथ ही साथ जब हमारे बाल सिल्की शाइनी रहेंगे, हमारे बालों में चमक रहेगी, तो ऑब्वियसली हमारे बाल लंबे होंगे, काले होंगे, घने होंगे, चमकदार होंगे। अब थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ दोस्तों, वो है 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पर रेडीमेड एलोवेरा जेल लिया है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास एलोवेरा लीफ है तो आप उसका फ्रेश एलोवेरा जेल निकालें और उसे यूज़ करें, क्योंकि एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद है। एक इतनी बड़ी जड़ी बूटी है ये हमारे बालों के लिए, जो हमारे बालों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, हमारे बालों को टूटने से रोकेगी, हमारे बालों को झड़ने से रोकेगी, हमारे बालों को काला करने में मदद करेगी, सफ़ेद होने से रोकेगी, बालों को लंबा, काला, सुंदर, घना, चमकदार बनाने में मदद करेगी, हमारे बालों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये एलोवेरा जेल। देखिए मैंने कहा था ना कि मैंने चीनी इसलिए नहीं पीसी कि मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी जब तक ये चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी और शैम्पू जो है हमारे बालों को डीपली क्लीन कर देगा। दोस्तों बालों की केयर करने के आप कुछ लोगों का कहना होता है कि हमने काफ़ी रेमेडी ट्राई कर ली। मैं आपको बता दूं कि आजकल लोगों को कई बीमारियां होती है, तो दोस्तों हम बाहर से कितना भी यूज़ कर लेकिन बॉडी में भी न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आप बाहर से खूब भी रेमेडी यूज़ करें तो कहाँ से वर्क करेगी। तो अच्छा खाए पिए, अच्छा आहार ले, अच्छा भोजन खाए और इस रेमेडी का एक बार उपयोग करें। इसे नहाने से पहले 2 घंटे पहले बालों की जड़ों में पहले पूरी तरीके से लगा ले, फिर पूरे बालों में लगा ले, फिर अपने बालों में लगातार कंघी करें और 2 घंटे बाद धो दे। ऐसा आप हफ्ते में 2 बार करें, आप देखेंगे 1 महीने में आपके बाल काफ़ी बड़े हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए।